जस्ट चेंज द रेजोल्यूशन 720 प्रेजेंट द एंटायर स्क्रीन। दिसता कसा करना? स्क्रीन दिसते का? यस हो सर। सर। ओके ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर में 3D के आपको मैंने क्या टेबल एंड चेयर के मॉडल्स दिखाए थे, ठीक है, यूजिंग टेबल्स एंड चेयर्स। ऑल्सो वी हैव स्टडीड सम ऑफ द टेक्सचरिंग टेक्निक्स, जो टेक्सचरिंग कैसे करना है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी दिखाए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आई हैव शोन यू सम ऑफ द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर हार्ड सर्फेस मॉडलिंग, ठीक है। हार्ड सर्फेस मॉडलिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो भी दिखाए थे मैंने आपको। वेर यू हैव टू यूज द मेश, वेर यू हैव टू स्प्लिट द मेश, और उसके अंदर फिर आपको एक डायमंड का मॉडल भी दिखाया था, हाउ टू क्रिएट अ डायमंड, हाउ टू क्रिएट ट्रायंगुलेटेड मॉडल्स। ओके, सो नाउ आई विल आल्सो शो यू सम ऑफ द हार्ड सरफेस मॉडल्स, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो, ये जो एक मॉडल है, और एक है मेरे पास रेफरेंस, सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल, ठीक है। ये जो है सारे गेमिंग्स के अंदर या फिर जो आपके 3D मूवीज रहेंगे, कोई भी 3D वीडियोस रहेंगे, उसके अंदर आप लोग ऐसे वेपन्स देखते हो, ठीक है। दिस इज अ वेपन मॉडलिंग टाइप्स, ठीक है। इस टाइप के मॉडल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करोगे या फिर एंड कहाँ से करोगे, काफी सारे लोगों को आइडिया आ गया रहेगा, बट यू नीड टू फॉलो द मेश, ठीक है। आपको प्रॉपर मेश फॉलो करना है, इसके ऊपर जो डिजाइन्स है देखो, ये जो डिटेल्स है इसके ऊपर, ये सारे आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स है, मैक्सिमम डिटेल्स विल बी क्रिएटेड इन द स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जो मैक्सिमम डिटेल्स रहते हैं, जैसे स्क्रैचेस हम लोग क्रिएट करते हैं, या फिर कुछ कट्स रहेंगे, कर्व्स रहेंगे, दैट वी क्रिएट इन सम ऑफ द स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर्स। अभी आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा मडबॉक्स, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको ये सारे जो स्कल्पटिंग के टूल्स रहेंगे, एंड वेर यू नीड टू स्कल्प्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट स्कल्पटिंग करके ही नहीं क्रिएट करने, जस्ट यू नीड टू क्रिएट अ बेसिक ऑब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, देन यू हैव टू टेक इट इन अ स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर फिर आपको उसके डिटेलिंग क्रिएट करना है, ठीक है। आई विल टेक दिस रेफरेंस, अब इसको इंपोर्ट करता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट आई विल फाइल, गो टू फाइल, क्रिएट अ प्रोजेक्ट विंडो, ओके, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ अ वेपन मॉडल, वेपन, ठीक है। नेक्स्ट आई विल सिलेक्ट द फोल्डर, थ्री डी, सिलेक्ट दिस फोल्डर, ठीक है। अभी SY अटेंडेंस के अंदर क्या आएगा, 3D का फोल्डर आएगा, उसके अंदर वेपन मॉडल करके न्यू फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये सारे सब फोल्डर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट फाइल, सेव सीन एज, इट विल डायरेक्टली गो टू द वेपन मॉडल सीन्स, ओके। इसका आएगा स्वॉल्ड, गेमिंग स्वॉल्ड, ठीक है, गेम स्वॉल्ड, ओके। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज अबाउट द नेमिंग, ठीक है। आपको नेमिंग ऐसे प्रॉपरली देना है ताकि वो आपका ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अभी कैसे होता है, काफी सारे मॉडल्स रहते हैं, कुछ कुछ सेट्स रहते हैं सीन्स, ठीक है। उसका आप लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, सो इन दैट सिंगल प्रोजेक्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसके लेयर्स भी क्रिएट करने हैं आपको, रेंडर लेयर्स भी क्रिएट करने हैं, टेक्सचर के लेयर्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको आगे पूरा मॉडलिंग स्टार्ट करना है। फर्स्ट आई विल जस्ट क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। आई विल इंपोर्ट अ ब्लूप्रिंट। अभी वो जो व्यू है, ठीक है, ये वाला जो मेरा व्यू है, दिस इज अ साइड व्यू, ठीक है, ये साइड व्यू है। नाउ यू हैव टू इमेजिन, ठीक है। अभी कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको सिर्फ उसका साइड व्यू ही मिलता है। काफी सारे जो ब्लूप्रिंट्स रहते हैं, दे हैव टॉप, साइड, 3/4, बॉटम, ऐसे व्यूज रहते हैं। देन यू नीड टू कट दोज व्यूज, एंड यू नीड टू एडजस्ट इन पर्टिकुलर व्यू और व्यू पोर्ट। उस व्यू पोर्ट के अंदर आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है, बट सम ऑफ देम डू नॉट हैव ऑल ऑफ द व्यूज, सो यू नीड टू इमेजिन, ओके।
यू नीड टू इमेजिन दैट पार्ट ऑफ मॉडलिंग. ठीक है, यू नीड टू इमेजिन दैट. आपको अगर एक 3/4 व्यू देता हूं, ठीक है, आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग चाहिए कि यूजिंग अ 3/4 व्यू यू कैन डिजाइन द कंप्लीट साइट्स, ऑल द साइट्स. ठीक है, ऐसा इमेजिन चाहिए, इमेजिनेशन. बाकी ब्लूप्रिंट्स किसके लिए यूज होते हैं? मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए. ठीक है, सो वी यूज द ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्यूरेसी. बट इफ आई डोंट हैव ऑल ऑफ द साइट्स, आई विल जस्ट टेक वन ऑफ द साइड व्यू, और जो भी व्यू अवेलेबल रहेगा वो मैं उसको इम्पोर्ट करूंगा इन द सॉफ्टवेयर, एंड देन आई विल क्रिएट अदर व्यूज अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन. साइड व्यू, आई विल गो टू साइड व्यू, व्यू इमेज प्लेन, इम्पोर्ट इमेज. ओके, आई विल जस्ट इम्पोर्ट दिस इमेज ऑल्सो. सी नाउ दिस इज इमेज. This image is on the desktop. I will just copy it, or I will cut this image. I will paste it in the source images. Okay. यहाँ पे मैं इसको paste करता हूँ. All of the reference images. Then I will go to view, image plane, import image. Directly I will click on the source image folder. ठीक है, सोर्स इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो मुझे इमेज ऑटोमेटिकली वहां पे मिल जाएगी ओपन. देख, कभी कभी ऐसे एरर्स आते हैं आपको, इमेज इज नॉट विजिबल, कुछ कुछ इमेज के फॉर्मेट भी सपोर्ट नहीं होते हैं इसके अंदर. इमेज इज नॉट विजिबल इन योर व्यूज, सो जस्ट डिलीट दिस. मतलब जो डाउनलोडेड इमेजेस है दैट विल नॉट सपोर्ट इन योर सॉफ्टवेयर, सो यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट. ठीक है, I will just open this with Adobe Photoshop. Okay. अभी इसके अंदर ही मुझे तीनों व्यूज का जरूरत नहीं. ठीक है, आई विल जस्ट टेक वन व्यू, क्योंकि सारे व्यू से वैसे ही है. आई विल टेक वन व्यू इन विच ऑल ऑफ द डिटेल्स आर अवेलेबल. ठीक है, सारे डिटेल्स जिसमें दिख रहे हैं मुझे, आई विल टेक दैट व्यू. Site.jpg, I will save this. Okay. We'll again try to import this, import image. Again, we are getting the errors. Yeah, I will just reset the preferences. Just close this. Yeah,
है, ऐसे बहुत सारे एरर्स आएंगे आपको जब भी आप लोग मॉडलिंग वगैरह कुछ चालू करोगे या फिर कोई टूल्स यूज करना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट मेनी एरर्स, तो आपको सॉर्ट आउट करके आना चाहिए, ठीक है? यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो इमेज प्लेन इंपोर्ट नहीं हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन वी कैन यूज द प्लेन। ऑन दैट आई विल एड वन टेक्सचर फाइल इंपोर्ट साइड ओपन। ओके, क्रिएट यूवीज, प्लेनर मैपिंग, ओके नाउ आई हैव इंपोर्टेड दिस फाइल। आई विल शिफ्ट दिस इमेज एट द बैक साइड। ओके, बैक साइड को मैं इसको शिफ्ट करूंगा एंड ऑल्सो ओके ऐसे सेट किया है। नेक्स्ट आई विल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आई विल क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है? लेयर को नेम देना है ब्लूप्रिंट, ठीक है? आई विल गिव इन द कलर स्पेस बार अलाउड नहीं है। सेव, ओके आई हैव रीनेम्ड इट, ठीक है? ये सारा प्रोसेस आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा मॉडलिंग के लिए तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू ओपन द सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फाइल, देन इन अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फाइल यू नीड टू सेव योर फाइल एंड आफ्टर यू सेव यू नीड टू कॉपी ऑल ऑफ द रेफरेंस इमेजेस और द सोर्स इमेजेस फ्रॉम वेर यू हैव डाउनलोडेड, ठीक है? जहाँ पे डाउनलोड किया है वो सारे इमेजेस आपको कॉपी करने पड़ेंगे एंड कॉपी व्हेन यू कॉपी दैट यू नीड टू पेस्ट इन द डिजायर्ड फोल्डर, पेस्ट इन द सोर्स इमेजेस और इमेजेस, ठीक है? दोनों फोल्डर में से कहीं पे भी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? बस जस्ट यू नीड टू पेस्ट दोज फाइल्स इन अ प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है? Now I will lock this with texture. Okay, next. Now I will just start modeling this. ठीक है, अभी कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? दिखा देता हूँ मैं। With the polygons, I will put the box. ठीक है, अभी इसको प्लेन से मॉडल नहीं करना है, ठीक है? और इफ यू मॉडल विद द प्लेन यू नीड टू एक्सक्लूड दैट, ठीक है? तो जस्ट स्टार्ट विद द बॉक्स, बॉक्स क्रिएट कर लो। जस्ट गिव अ थिकनेस, व्यू शेडिंग एक्सरे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई हुआ है। सो आई विल जस्ट एड वन मटेरियल लैम्बर्ट 3 स्वॉर्ड, ठीक है? स्वॉर्ड मटेरियल आई विल जस्ट इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट सेट द बेसिक शेप,
है, यू नीड टू कनेक्ट द पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। इंसर्ट एज लोग, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट करना है, यहाँ से एक इंसर्ट करना है, ठीक है। डू नॉट इनपुट अनरिक्वायर्ड मैश, ठीक है। बेसिक शेप डेवलप करो, ठीक है, सबसे पहले। एंड ऑल्सो यू नीड टू इमेजिन दैट स्मूथ होने के बाद वो शेप कैसे दिखेगा, ठीक है। इंसर्ट एज लूप, धीरे धीरे मैं शेयर करूं ताकि उसका जो शेप है इट विल लुक रियलिस्टिक। जितना कम मेश में जमता है आपको उतने कम मेश में मॉडल करने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके जो टेक्निक्स है वो इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा ट्राई करो कि आपका जो मेश है इट विल बी इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो आप लोग ने ये वर्टेक्स यहाँ पे लिया है या ऐसे यहाँ पे रखा है, ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे रखा है, डोंट डू दिस, ठीक है। ऐसे काम नहीं करना है आपको, पूरा एकदम स्ट्रेट मेश दिखना चाहिए आपको। ये बाकी सब जो शार्पनेस वगैरह ये सब आपको लास्ट में करना है, ठीक है। एक बार आपका मेश क्रिएट हो गया पूरा, यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ मैं। इंसर्ट अनदर एज फॉर दिस कर्व, जब तक आप लोग प्रैक्टिकली इसको ये करोगे ना इम्प्लीमेंट कहीं पे भी इट विल नॉट बी क्लियर, ठीक है। जितना प्रैक्टिकल करोगे आप लोग उतना आपको टूल्स वगैरह सब क्लियर होंगे। सी दिस इज द मेश विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट बिल्ड अप द शेप, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये क्या करता हूँ मैं, नेक्स्ट अब ये जो सर्कल्स है आई विल यूज अ सिलेंडर फॉर दिस पॉलीगॉन्स सिलेंडर, ठीक है। डू नॉट नीड सो मच डिविजन्स, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट नीड कैप्स, सम ऑफ द कैप डिविजन्स।
मटेरियल, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। बाद में आप स्मूथ करोगे तो उसका शेप प्रॉपरली आपको विजिबल रहेगा, द फेस, मेश, फेसेस टुगेदर, पॉलीगॉन्स, एक्सट्रूड। ठीक है, आई विल जस्ट एक्सट्रूड दिस। नेक्स्ट क्लिक अनदर पॉलीगॉन्स, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड एक्सट्रूड एक्सट्रूड। ओके, जस्ट रिमेम्बर द टूल्स। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर रहा हूं मैं और कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा हूं। एक्सट्रूड नेक्स्ट कंट्रोल डी डुप्लीकेट। ठीक है, मेश, सॉरी मेश मिरर ज्योमेट्री। ठीक है, इन जेड डायरेक्शन। ओके, अप्लाई, क्लोज, सेपरेट, रोटेट,
See, I'm leaving this section to extrude the above part. ठीक है, आपको वो भी देखना है कि कौन सा पार्ट आप लोग आगे एक्सट्रूड कर सकते हो. आई विल नॉट रिक्वायर दिस एज, ऑल्सो दिस एज. ठीक है, ऐसे टाइप के मॉडल्स अगर आपको बनाने हैं तो यू नीड टू वर्क विद दिस एक्यूरेसी. इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है. ठीक है, फर्स्ट एडजस्ट द मेन वोल्टाइसेस, देन आफ्टर प्रेसिंग स्मूथ, आफ्टर प्रेसिंग थ्री, ये सारे वोल्टेक्स फिर से एडजस्ट करो. See, these are the basic shapes. I need to mesh, combine, modify, centrifuge. Okay. Next, smooth off करता हूँ. Now I need to join these two faces. ठीक है, ये दोनों फेसेस मुझे ज्वाइंट करने. अब इसके बहुत सारे टेक्निक्स है. ठीक है, यू कैन डिलीट दिस फेसेस, यू कैन सिलेक्ट द वर्टाइसेस, यू कैन मर्ज टू सेंटर ऑप्शन. ठीक है, आपको मर्ज टू सेंटर का ऑप्शन दिखाया था मैंने, वो ऑप्शन यूज कर सकते हो. और अगर उसके बीच में एक लेन क्रिएट करना है, ठीक है, एक ब्रिज टाइप क्रिएट करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट बोथ द फेसेस एंड ब्रिज. Create a bridge between two sets of edges of faces. ठीक है, ब्रिज आपको इसके बीच में क्रिएट करना, मतलब ये दोनों भी फेसेस कनेक्ट करने. इफ यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस तो उसके आपको ऑप्शन भी दिखेंगे. इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस आइकॉन यू विल गेट द ऑप्शन. ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे. ठीक है, डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन, हाउ मेनी डिविजन यू नीड, यू जस्ट नीड थ्री डिविजन. लीनियर पाथ अप्लाई. ठीक है, so it is divided into three divisions. देखो ऐसे ब्रिज क्रिएट होगा बीच में. ठीक है, नाउ यू नीड टू इमेजिन ये वाला पार्ट जो है वो कैसे रहेगा. सिलेक्ट दिस, दिस विल बी अ मच ब्रॉडर. और आई हैव अ स्मूथ ऑप्शन. ठीक है, ये प्रेस करता हूं मैं एंड आई विल प्रेस बी. बी इज अ शॉर्टकट फॉर स्मूथ सिलेक्ट. ठीक है, ये वाला ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने यूज किया रहेगा.
not select, and I will increase the call of radius. मतलब उतने रेंज में वो स्मूथ होगा। वन पॉइंट फाइव, सॉरी 1.3, 1.2, 1। जीरो पॉइंट एट, जीरो पॉइंट सिक्स, ठीक है 0.6। नाउ आई विल जस्ट स्केल दिस। पॉइंट सेवन, साइड के वर्टेक्स भी उसके साथ स्मूथली स्प्रेड होंगे। 0.8, 0.8, आई विल अनस्मूथ इट। ठीक है, ऐसा शेप रहेगा इसका। नेक्स्ट इसके नीचे जो है, नाउ आई विल कनेक्ट दिस सरफेस। इंसर्ट एजेस इन बिटवीन, इंसर्ट एज लूप्स। अभी ऊपर जितने लूप्स है उतने ऐड करने पड़ेंगे मुझे। ये सेक्शंस, अभी इसके अंदर भी जो है ये वाला एज नहीं लगेगा मेरे। आई विल सेट द बिल ऑफ एसेस। फर्स्ट आई विल कंबाइन दिस, ठीक है। इसके बीच में मुझे ब्रिज क्रिएट करना है।
I will just go to mesh, combine, modify, send to pivot. Okay, next I will go to faces, these three faces, and these three faces. अगर आपको अच्छे से ब्रिज क्रिएट करना है देन यू नीड टू हैव इक्वल मेश ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? मतलब ये वाला मेश आपको इक्वल रखना पड़ेगा तो प्रॉपरली ब्रिज होगा, नहीं तो फिर कोई वर्टेक्स कहीं पे कनेक्ट हो जाएगा या फिर कहीं पे तो एरर आएगा आपके मेश के अंदर, ठीक है? सो आई विल ब्रिज दिस, अलग ही क्रिएट हुआ है. I don't need the divisions. Zero. Plan. क्रैश सॉफ्टवेयर से क्रैश भी होगा आपका, लेकिन ऐसे बहुत बार हालात होते हैं. तो वी कैन हैबिट ऑफ सेविंग. कितना सेव हुआ है कुछ पता नहीं. I think everything is gone. देखो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे फिर आपको, पूरा मॉड्यूल जितना मेहनत किया उतना पूरा गया. ठीक है, अभी वो करने के बाद भी और एक काम करना है आपको. व्हेन यू स्टार्ट एनी ऑफ द फाइल और प्रोजेक्ट, सो यू जस्ट नीड टू एनेबल द ऑटो सेव ऑप्शन, ठीक है? ऑटो सेव और टाइम इस पर थोड़ा सा कम रखो, 2 मिनट्स. एवरी 2 मिनट्स के ऊपर आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव होगा, ठीक है? सेव दिस फाइल, सेव प्रोजेक्ट, ओपन मॉड्यूल, फाइल, ओपन सीन, गेम्स वर्ल्ड. Okay, we don't have any of the data. Recent files. इधर टेम्पररी फाइल्स में देखना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट्स, माया, प्रोजेक्ट्स, डिफॉल्ट,
is of no use. देखो ऐसे पूरी मेहनत चली जाएगी फिर आपकी, जितना आपने मॉडल किया है पूरा मेहनत किया है सब। क्रिएट अ न्यू लेयर एंड यूज एज ब्लूप्रिंट। ठीक है अभी फास्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसका जो कवर हुआ है इंसर्ट एज लूप। ठीक है यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, ये ठीक है डन। नेक्स्ट अभी इसमें से एक्सक्लूड करता हूँ मैं इसको, सेकेंड टेक्निक। तो पॉलीगॉन्स सिलेंडर। ठीक है सिलेंडर यूज करता हूँ मैं ताकि आपको फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो।
save this. Okay. और 2 मिनट्स को सेव होता रहेगा फाइल ये. एक्सेस, आई डू नॉट नीड सो मच एक्सेस. यस. ये इतने कैप चाहिए. नेक्स्ट आई विल जस्ट एक्सट्रूड दिस. तो थिकनेस कुछ ज्यादा ही हो गया है. जस्ट रिड्यूस द थिकनेस. Put this together on and then extrude. Okay, extrude. यहाँ से इसको rotate करता हूँ. Again, I will extrude. Press W. And I will rotate this. Okay. Extrude. I will rotate this. ऐसे ही कुछ शेप है इसका. सी यू डू नॉट हैव टू change the directions of your vertices. उसको एक flow में रखना है आपको. मतलब देखो यहाँ से जो आ रहा है यहाँ पे straight, you need to set it in the flow. Flow के अंदर रखना है आपको ये. Select the face, deselect the interfaces, and then I will extrude this. Okay, W, extrude. Go to vertex. Face. Select the face, deselect the interfaces, again extrude. Rotate this according to the mesh. Again extrude. Extrude. Press W. Move, rotate this,
है। ओके, आई विल पॉज दिस फॉर जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए पॉज करता हूँ मैं। वी विल कंटिन्यू आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो सब लोग, उसके बाद में फिर से कंटिन्यू कर। भी आपको इसका पूरा मॉडलिंग मैं आज के आज दिखा के देता हूँ कि कैसे पूरा मॉडलिंग करना है, और हमारा जो पूरा वीडियो है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर डायरेक्टली आपको शेयर कर दूंगा मैं बाद में से लिंक। ठीक है, आप लोग ये पूरा वीडियो फिर से देख सकते हो। ठीक है, चलेगा 5 मिनट्स ब्रेक? सर हाँ ठीक है, चलो। ओके,
आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। आरे कैसे दिन? अरे ये कैसे लोग? आवाज देता है ना? हाँ सर। यस सर। अरे कुठे गेले? लेफ्ट झाले का? 33 गाईज होते ना? अटेंडेंस नहीं आएगा फिर आपका? ठीक है, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। अभी इसको ही क्या किया था मैंने? आई हैव डुप्लीकेटेड दिस। ओके, तो पूरा इमेज क्रिएट करता हूँ। रेस्ट ऑफ द इनसाइड पार्ट विल बी एडेड इन द टेक्सचर्स। ठीक है, आपको वैसे टेक्सचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको पार्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डी, गो टू मेश, मिरर ज्योमेट्री, मेश सेपरेट। ठीक है, तो डिलीट करता हूँ मैं। मॉडिफाई सेंटर पिवोट। ठीक है, ये साल आपको ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू एडजस्ट दिस एजेस। जो अनरिक्वायर्ड है, अननीडेड है, वो वाले एजेस आपको डिलीट करना। मेश आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा, यू नीड द एक्यूरेसी। ये स्मूथ होने के बाद इसका शेप अलग होने वाला है, चेंज होने वाला है। ईच एंड एवरी वर्टेक्स यू नीड टू एडजस्ट फॉर दिस।
सेव दिस, ठीक है, सेव करते रहो। विंडोज सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स, इन दिस व्हाट टू सेव, इंटरवल इन मिनट्स, 2 मिनट्स, सेव। ठीक है, नेक्स्ट आई विल ब्रिज दिस। Restore to default. Few minutes. See. Mesh combine, okay, then we'll select these polygons, we'll create a bridge, okay, bridge create kiya hai, isme jo edges hai एजेस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, इंसर्ट एज लूप, insert एक loop, इतनी distance पे चाहिए मुझे, mesh combine modify center pivot, to sorry bridge so divisions come karne pade, divisions close bridge, ठीक है, ऐसे क्रिएट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे गए थे हम लोग,
I will just select these vertices. And I will scale this. Okay, क्योंकि ये जो shape है, it is different from the below shape. ठीक है, मतलब इसको attach रहेगा ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट ये जो रहेगा, दिस पार्ट विल बी इन अ सर्कुलर फॉर्म. ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहेगा. उसके बाद फिर आप लोग को स्मूथ ऐसे कुछ शेप आपको मिलेगा स्मूथ प्रेस करने के. डिटेल्स में बाद में डालने वाला हूँ. ठीक है, डिटेल्स बाद में आएंगे सब. यहाँ से भी मैं बॉक्स लेता हूँ. We'll just extrude this. Extrude again, we'll do extrude. Extrude. Extrude.
है, अभी जिसमें इसमें जितना ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट इज अ टोटल पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप लोग कैसे ऑब्जर्व करते हो, कौन से टूल्स कहाँ पे यूज करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। देखो, ऐसे कुछ आपका मॉडल क्रिएट होगा यूजिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी कंबाइन किया है इसको। आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आई हैव कंबाइंड इट टू फॉर्म अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब ये सिंगल ऑब्जेक्ट से पूरा क्रिएट किया हुआ है, ऐसे दिखे। अगेन इंसर्ट एज लूप, यहाँ पे एक एज लूप डालना पड़ेगा। And from here, I will now extrude this. Okay, like the face. Extrude. Extrude. Rotate. Extrude. Scale. Extrude. बाहर का पार्ट आपको बाद में क्रिएट करना है। अगेन सेलेक्ट द फेस, सिलेक्टेड, डीसेलेक्ट दिस, देन एक्सक्लूड। ठीक है ना, व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड द फेस, सॉरी, यहीं से इसको आई विल एक्सक्लूड दिस। देखो ये टेक्निक भी आप लोग यूज कर सकते हो टू क्रिएट दिस सर्कुलर शेप्स। ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप्स अगर आपको क्रिएट करने रहेंगे, यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। विल सिलेक्ट द फेस, एक्सट्रूड,
ऐसे ही आपको एक एक वर्टेक्स एडजस्ट करना पड़ेगा हर एक मॉडल के लिए। कोई भी मॉडल आप लोग लोगे तो ऐसे ही आपको सब एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, ठीक है, जब तक उसका लाइन मैच नहीं होगा तब तक। सॉरी, फेस, आई सेलेक्ट द फेस, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, ठीक है, यहां से एक्सट्रूड किया ऐसे। नाउ दिस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, आई सिलेक्ट द फेसेस, ऑटो सेव, यस, एंड ब्रिज, ओके, don't need these edges. See, now this is the complete shape of my object. ठीक है, ये जो है shape, ये पूरा complete shape है मेरे object का। इसके अंदर कुछ भी details नहीं है, ठीक है। देखो फिर basic shape develop करने के लिए मैंने कभी start किया था, ये 12 को start किया था फिर से model करने के लिए, ठीक है। मतलब एक फाइल तो हमारा क्रैश हो गया। नेक्स्ट आई हैव स्टार्टेड एट 12, 40 मिनट्स लगे हैं मुझे, ठीक है। 40 मिनट्स में इतना पूरा बेसिक शेप क्रिएट किया है। आपके लेवल के ऊपर शायद से आपको 1 आवर लगेगा या फिर 1.5 आवर या फिर 2 आवर फॉर क्रिएटिंग बेसिक शेप। आपका अगर बेसिक शेप प्रॉपरली डेवलप हो गया देन आपको डिटेलिंग करने के लिए फिर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट इसका डिटेलिंग का, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर्स, ठीक है, और the edges which you add in this. ठीक है, ऐसे टाइप के कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ऑल्सो आई विल शो यू सम ऑफ द वेपन शोरिल्स, ठीक है, वेपन मॉडल्स। देखो ये सारे मॉडल्स रहेंगे, बेसिक मॉडल्स। अगर आप सर्च करोगे तो इस टाइप के मॉडल्स आपको मिलेंगे। कार मॉडलिंग, इसके अंदर कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल शो यू वन ऑफ द शोरी, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ऐसे आपको सेपरेट सेपरेट पार्ट मॉडल करने पड़ेंगे अगर ऐसे टाइप के वेपन्स रहेंगे आपके। इफ यू नीड टू डिस्प्ले और प्रेजेंट द वेपन इन दिस टाइप, आपको हर एक पार्ट सेपरेट मॉडल करना पड़ेगा इसे। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग, ईच एंड एवरी पार्ट इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब उसको प्रेजेंटेशन ही वैसे करना था। सी दीज आर द मैप्स, देखो ये सारे मैप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। दिस इज अ नॉर्मल मैप, इसके अंदर आपको सारे डेप्थ वगैरह दिखेंगे, इसके अंदर शैडोज दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडोज। These are just the objects, ठीक है, different types of objects। मतलब ID का जो map रहेगा आपका, उसके बाद में फिर आपका आएगा diffuse map। Diffuse के अंदर आपके जितने भी details रहेंगे, that will be the diffuse map, and last is the wireframe, ठीक है। These are different types of maps है।
details on it. जिसने ऐसे किड गेम खेला रहेगा उनको पता चलेगा व्हाट आर द वेपन्स यूज्ड इन दैट गेम. ठीक है, ऐसे कुछ स्टोरीज हैं. अभी इसके अंदर भी जो है, दिस इज अ ऑर्गेनिक मॉडल, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऐसे दो ही सेक्शन रहते हैं मॉडलिंग के अंदर. तो उसके अंदर फिर नेक्स्ट आएगा आपका इनऑर्गेनिक में जो रहेगा, दैट विल बी ऑल ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉन लिविंग. ठीक है, ये जो है दीज आर ऑल हार्ड सरफेस मॉडल्स, ये क्लोथ्स वगैरह जो भी दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल हार्ड सरफेस मॉडल्स. तो ये वाले भी वायर फ्रेम यू देखो, ऐसे टाइप का वायर फ्रेम चाहिए आपको, कैरेक्टर का या फिर कोई भी मॉडल का. दिस इज अ हार्ड सरफेस, इसका भी जो मेश है इट शुड बी इन अ क्लीन मेश. ठीक है, दीज आर कैरेक्टर मॉडल्स. देखो अभी इसके अंदर भी ये सारे वेपन्स है, आपने सिर्फ कैरेक्टर क्रिएट करके रख दिया तो वैसे नहीं चलेगा. यू नीड टू ऐड सम ऑफ द क्लोथिंग, सम ऑफ द वेपन्स इन हिज हैंड्स. ठीक है, जिस टाइप का कैरेक्टर रहेगा उस टाइप के आपको वेपन्स क्रिएट करने पड़ेंगे. ठीक है, और वेपन्स भी कैसे क्रिएट करने हैं, कैरेक्टर के हिसाब से. द कैरेक्टर इज अ ओल्ड कैरेक्टर, मतलब कोई एक पुराने जमाने का एंशियंट कैरेक्टर रहेगा तो उसके हाथ में आप लोग गन वगैरह नहीं दे सकते. ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको वेपन्स मॉडल करने पड़ेंगे. एंशियंट टाइम में जो वेपन्स यूज होते थे, यू हैव टू ऐड दैट ओनली वेपन्स. सी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज स्कल्पटिंग. ठीक है, स्कल्पटिंग पार्ट रहेगा ये वाला, इसमें बेसिक मॉडल रहेगा एलिफेंट का. इसके अंदर जो बाकी डिटेल्स है ये सारे स्कल्पटिंग के अंदर ऐड होंगे. सीट द मेश, मेश फ्लो देखो, ट्रायंगुलेटेड मेश आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा इसमें. एवरीथिंग इज ऑफ पॉलीगोनल मेश.
स्कल्पटिंग, ये जो पूरा पार्ट है स्कल्पटिंग एंड टेक्सचरिंग इज अ पार्ट ऑफ योर 3D स्कल्पटिंग एंड टेक्सचरिंग पार्ट. देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, ये हैव यूज माया, ZBrush, फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट्स, इतने यूज किए इसने. ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे आपको. देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन से दिखाए इसने, माया, सब्सटेंस पेंटर, फोटोशॉप एंड वीरे. ठीक है, सब्सटेंस पेंटर जो है आपने माया में मॉडल किया है, इन सब्सटेंस पेंटर यू नीड टू टेक्सचर इट. ठीक है, टेक्सचरिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है सब्सटेंस पेंटर. नेक्स्ट इज फोटोशॉप टू एड सम ऑफ द डिटेल्स और लाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंडरर, वीरे इज द रेंडरर फॉर दिस. ठीक है, मैप्स, एम्बियंट ऑक्लूजन, डिफ्यूज मैप, नॉर्मल्स, रिफ्लेक्शन मैप्स, रिफ्लेक्ट ग्लॉस एंड वायर फ्रेम. रेंडर पासेस 22 मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स है हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से. ठीक है, कॉन्सेप्ट, दीज आर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट मॉडल्स. ठीक है, ये उसने खुद ने क्रिएट किया है. These type of models are maximum preferred by the industries. ठीक है, जो concept models रहते हैं, आप अगर कोई new movies वगैरह के अंदर models डालना चाहते हो sci-fi movies के अंदर, तो they will accept these type of models, concept models, and they will accept these type of concept modelers in the industries. ठीक है, जो कि नए नए concepts develop कर सकते हैं. अभी ये जो पूरा रियलिस्टिक पार्ट आपका दिखता है वो पूरा रेंडरिंग के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, जिस टाइप से आप लोग रेंडर करोगे उस टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा. दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ हेडफोन्स. ठीक है, साउंड का एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं और यू कैन सी टू दैट थिंग्स. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट डिटेलिंग का पार्ट जो रहेगा आपका कल का लेक्चर में कवर अप करूंगा मैं. ठीक है, इसका जो डिटेलिंग है हम लोग पूरा आपको पूरा मॉडलिंग का जितना भी रहेगा इसमें पार्ट पूरा क्रिएट करके दिखाऊंगा. ये फाइनल ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा ये पूरा आपको दिखाऊंगा मैं क्रिएट कर. ठीक है, वेर यू नीड टू एड द मेश, हाउ टू एड द डिटेल्स. ठीक है, कौन से डिटेल्स एड करने हैं, कौन से डिटेल्स आप लोग टेक्सचरिंग में एड कर सकते हो, कौन से डिटेल्स मॉडलिंग के अंदर एड कर सकते हो, वॉट टाइप ऑफ डिटेल्स यू नीड टू एड इन योर एनी ऑफ द मॉडल. ठीक है, कौन से मॉडल में कोई भी अगर आप मतलब कौन से लेवल तक आप लोग मेश ऐड कर सकते हो, आई विल टीच यू दैट प्रोसेस. ठीक है, एंड यू नीड टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन योर मॉडल्स. आई विल सेव दिस. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ. ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट्स? नो सर. ओके ओके, ठीक. काय झालं, बोर झालं सगळ्यांना 2 तास लेक्चर? नो सर, नाही ना, नाही होणार थोडस बोर. रोज 3 लेक्चर होता कंटिन्यू. हाँ ना, 2 लेक्चर हो गए कंटिन्यू, 11 से 12, 12 से 1. मी तो तुम्ही 5-10 मिनिटा ब्रेक पण द्यायला नाही पाहिजे होता, तो पण नसता दिला तरी चालला असता. उलट आहे ना, रुटीन तुटून जातो म्हणजे एकदम कंटिन्यू फ्लो असतो तो तुटून जायला माझे. काय काय काय, अरे आवाज येत नाही तुझा क्लिअर.
ठीक है, जाओ जैसे। काय तीन लेक्चर कंटिन्यू घ्यायला पाहिजे होते हो सर, हो हो का? बरं, झोपले असते सगळेजण, तीन लेक्चर घेतले असते. सॉफ्टवेअर थर्ड शिक्षण लेक्चर पण तुम हा काय काय बोल बोल. सॉफ्टवेअर शिक्षण जास्त मजा येते, थेरॉटिकल सब्जेक्टला बोर होता। बरं बरं. ठीक आहे, एनी अदर डाउट्स? प्रॅक्टिस करताय का सगळेजण? ठीक आहे, चला आता येतो. याच्या नंतरचं लेक्चर होणार नाही आहे. ठीक आहे, सो सी यू टुमॉरो इन माय लेक्चर. आएगा पूरा कंटिन्यू करूंगा मैं, आपका सब डिटेल्स वो जो रहेगा वो सब डिटेल्स आपको दिखाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा आपका. नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है आपका? मल्टीमीडिया एनिमेशन टेक्निक शायद। अच्छा, ठीक है, वो लेक्चर नहीं होगा आपका. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर. बाय सर, थैंक यू सर। ओके ओके.